फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रकाश पछला ब्लॉग्स। माय नेम इज प्रकाश पछला। आज एक अनबॉक्सिंग वीडियो मैं कर रहा हूँ, अनबॉक्सिंग एंड बाद में उसको ट्रायल करके दिखाऊँ। ये है टूरिंग सीट कवर, जो मेरा रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 का जो स्टॉक वाला सीट आया है, उसके ऊपर जो सीट कवर मैंने ऑनलाइन से ऑर्डर किया है, वो टूरिंग सीट कवर, उसके बारे में उसका अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा मैं और इसका रिव्यू करूंगा। उसके बाद में गाड़ी में फिट करने के बाद में भी आपको दिखाऊंगा कैसे रखता है। तभी हम ये है सहारा सीट्स का एक ऑनलाइन वेबसाइट है, जिसमें सहारा सीट्स वो बहुत वेल नोन ब्रांड है, जो आप ऑनलाइन मिल जाते हैं। सारी गाड़ियों का सीट कवर मिलता है और स्पेशली मतलब डिजाइन करते हैं। और अभी आपको अनबॉक्सिंग करके इसको क्वालिटी दिखाऊंगा, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए अभी ये आपको अभी अनबॉक्सिंग करते हैं पहले, फिर उसके बाद इसका प्राइस और कैसे ऑर्डर करना है सब मैं दिखाऊंगा। आइए हम अनबॉक्सिंग करते हैं पहले। देखिए ये है, एक्चुअली मैं मार्केट में अगर सीट कवर डलवाने गया था तो, लेकिन वहाँ इतना अच्छा कुछ खास नहीं, मतलब वो अलग अलग मॉडल दिखा रहा है, लेकिन जिसमें रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ लोगो लिखा हुआ सीट के ऊपर वो नहीं है। अभी देखिए ये सहारा सीट्स करके लिखा है। अभी आपको दिखाऊंगा। ये देखिए ओपन करके, ये देखिए यहाँ दिखा है, इसका एक बैज दिया हुआ है, ये सहारा सीट्स करके, यहाँ ये देखिए यहाँ लिखा हुआ। अभी ये देखिए ये थैंक यू करके लिखा है, डियर राइडर थैंक यू, वी होप यू लाइक अवर प्रोडक्ट करके। अभी देखिए अभी रिव्यू करने के बाद लाइक करेंगे बता दूंगा मैं। इसके साथ में एक और किचन टाइप का दिया है, टैग दिया है, जिसमें कि की लगा सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही लिखा हुआ है। देखिए सहारा सीट्स करके एक टैग दिया है, वी गॉट योर बैग करके। और इसके बाद में अभी ये कवर में निकाल रहा हूँ, ये देखिए वाओ गाइस क्या मस्त क्वालिटी है, बहुत अच्छा क्वालिटी है, लेदरेट फिनिशिंग है ये। एक्चुअली इसमें ब्राउन एंड ब्लैक दोनों आते हैं, तो ड्यूअल टोन भी आता है, तो मुझे मेरा गाड़ी है स्टेलर रेड है, इसलिए मैं ब्लैक अच्छा लगेगा इसलिए मैं ब्लैक लिया हूँ। तो ये देखिए ये टूरिंग सीट कवर, ये देखिए रॉयल एनफील्ड। अगर मैं ऑनलाइन में देखा था तो जो पिक्चर में ऐसे दिखा रहा था कि ये प्रिंटिंग टाइप लगा रहा है, मैं प्रिंटिंग टाइप दिख रहा था, मैं वही थोड़ा सा मैं डाउट में पड़ गया, लेकिन अभी आपको रिव्यू देखा हूँ। अभी देखिए इसमें ये स्टिचिंग किया हुआ है, ये प्रिंट नहीं है। तो किसी को मैंने अगर मार्केट में दिखाया था तो फोटो दिखाया था, तो शॉप में जो सीट कवर जो स्टिचिंग करते हैं उनसे, तो वो बोला कि सर ये प्रिंटेड वाला होगा, कुछ दिन के बाद निकल जाएगा। लेकिन मैं भी वही डाउट में था, लेकिन अभी देखिए गाइस ये प्रिंटेड नहीं है, ये स्टिचिंग किया हुआ है थ्रेड से, तो अभी ये निकलने वाला नहीं है। और इसके वाइट स्टिचिंग भी कितना अच्छा फिनिशिंग दिया है। अभी इसमें दिखाता हूँ क्या क्या आया है। ये देखिए इसमें वेलक्रो भी दिया है, आपको ये दिखाता हूँ। देखिए एक सीट है, ये बैक पिलियन राइडर का सीट है। अभी देखिए ऐसे दिखेगा आपको, अगर आप बाइक में अगर बैठेंगे तो ये ऐसा फिट हो जाएगा आपको सीट में। इसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, इसके देखिए वेलक्रो भी दिया हुआ है, लेकिन उसमें ये लिखा है कि जब रिव्यूज में कि इसको स्टेपलर करना मैंडेटरी है, तो एक्चुअली ऐसा बांध सकते हैं लेकिन आपको इतना फिट नहीं आएगा। ये देखिए थ्रेड भी दिया हुआ है, खींच के अगर टाइट कर सकते हो सीट के ऊपर, लेकिन मेरे पास तो वो स्टेपलर नहीं है, इसलिए मैंने फिट करूंगा। मैं मार्केट में जाके वो जहाँ सीट कवर सिलते हैं स्टिचिंग करते हैं उनके पास जाके उनसे करवाऊंगा, प्रोफेशनल से मैं फिटिंग करवाऊंगा। ये राइडर का सीट कवर है, टूरिंग सीट कवर है ये। उसके बाद में ये पिलियन राइडर का है, ये पिलियन का देखिए यहाँ ब्रांड भी लिखा है, सहारा सीट्स करके ब्रांड भी है, और फिनिशिंग बहुत अच्छा फिनिशिंग है। और ये कुशन भी है, देखिए अंदर फोम कुशन भी दिया हुआ है, तो ऐसा दबाने में भी बहुत सॉफ्ट लग रहा है। और इसके साथ में ये भी बैक रेस्ट का भी है। देखिए एक्चुअली क्या होता है, जो ये दोनों
जो राइडर सीट है ये पिलियन राइडर का सीट कवर ही है, दोनों सीट कवर के लिए अराउंड 1200 रुपीज कुछ पड़ रहा था। तो ये बैक रेस्ट एक एक्स्ट्रा है, ये 150 रुपीज एक्स्ट्रा अगर आप पे करोगे तो बैक रेस्ट का भी कवर मिल जाएगा। बैक रेस्ट कवर का भी फिटिंग में दिखाऊंगा, मतलब कि उसका जो स्टॉक से थोड़ा प्रोटेक्शन हो जाएगा अगर गलती से, अगर आप सीट कवर नहीं डलवाते हैं तो कभी क्या हो जाता है, कभी कोई शार्प चीज कोई पिन या कुछ कट जाता है तो सीट कट जाएगा और वाटर बारिश में वाटर अंदर जाने के चांस रहता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हमेशा गाड़ी कोई भी गाड़ी खरीदते हैं तो सीट कवर रिकमेंडेड है, सीट कवर जरूर डालना चाहिए। तो अभी ये देखिए पूरा तीनों सेट है। तो मैं ये सेम वाला जो रॉयल एनफील्ड का जो रॉयल एनफील्ड शोरूम में भी जो जेन्युइन एक्सेसरीज में आपको मिल जाता है, लेकिन ये सीट कवर नहीं मिलता है अगर आपको सीट खरीदना पड़ता है। या अगर आप एक्सेसरीज में जाएंगे रॉयल एनफील्ड का ऐप में जाके या शोरूम में जाएंगे तो आपको वो बोलते हैं कि सीट चेंज करना पड़ेगा, ये अलग से नहीं मिलता है। अगर नॉर्मल में जो स्टॉक में आता है उसमें ये लिखा हुआ नहीं दिखेगा, आपको प्लेन दिखेगा, लेकिन अगर आपको ये लिखा हुआ टूरिंग सीट में ही सिर्फ ये ऐसा रॉयल एनफील्ड लोगों के साथ लिखा हुआ बैज लिखा हुआ रहता है, तो ये बैज लिखा हुआ रहता है। तो अभी ये कि ये बैज लिखा हुआ रहता है, इसमें क्या करते हैं कि अगर आपको ये सीट अगर ये लोगों के साथ चाहिए, जैसे बहुत लोगों का रहता है कि बाइक में अब मुझे बाइक तो रॉयल एनफील्ड है लेकिन सीट पूरा प्लेन है, मुझे अगर ये लोगों चाहिए तो शोरूम वाले क्या बोलते हैं कि ये पूरा ये सीट खरीदने के लिए बोलते हैं। अगर सिर्फ एक सीट 2600 रुपीज का जो है 2600 रुपये का 2600 रुपये का सिर्फ सीट मिलता है तो ठीक है, अगर थोड़ा खर्चा करेंगे अगर मुझे वो सीट पसंद है वो लेना है, लेकिन रॉयल एनफील्ड का एक कंडीशन है कि आपको ये सिंगल में नहीं देता है, उसके साथ में पिलियन का सीट भी लेना पड़ता है। तो पिलियन सीट 1700 होता है। तो अगर आप ये सिर्फ ये लोगो अगर ये कवर नहीं, अगर सीट चेंज करना है तो राइडर एंड पिलियन दोनों सीट चेंज करना पड़ेगा, उसके लिए आपको 4300 रुपये फिर फिटिंग में सब मिला के 4500 रुपये का सिर्फ पैसा वेस्ट हो जाता है और आपका जो स्टॉक है उसके साथ में जो गाड़ी के साथ में जो सीट आया वो आपको सेपरेटली स्पेयर में रखना पड़ता है। तो इतना खर्च करके अगर 4500 पे खर्च करने का कोई मतलब नहीं है। और उसके साथ में क्या होता है, ये बैकरेस्ट नहीं मिलता है शोरूम में, सिर्फ राइडर सीट एंड पिलियन राइडर का पिलियन सीट जो है ये दोनों सीट मिलता है 4500 की। तो इससे तो इसलिए मैंने सोचा कि इतना पैसा वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। अगर आपको जो टूरिंग सीट का जो लुक चाहिए तो ये सहारा सीट्स का आप ऑर्डर कर सकते हो, मुझे मतलब मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और ये रिकमेंडेड है क्योंकि मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप टूरिंग सीट लेने से अच्छा ही ये सीट का मंगवा के आप लगा दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। अगर इसमें लोगो भी है सब कुछ है, फिटिंग करने बाद मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत अच्छा है। और इसके साथ में ये भी मिलता है, नहीं तो आपको अलग से स्टिचिंग करवाना पड़ता है, लेकिन इसके साथ में मिल रहा है। और इसमें एक ऑप्शंस भी है कि अगर आप चाहे तो जेल पैड भी, नहीं तो 1 इंच फोम, ऐसा अलग अलग ऑप्शंस भी एड ऑन आप कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं चाहिए क्योंकि उससे क्या है तो और मोटा हो जाएगा सीट और हाइट ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ा, इसलिए मैं ये लिया। ये इसमें ऑलरेडी इसमें कुशन दे रखा है, फोम दे रखा है, तो इससे आपका सीट अच्छा रहेगा। तो इसलिए गैस मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप लोग, मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप टूरिंग सीट ये सब अगर आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है यही लगा लीजिए, बहुत अच्छा है, आपको पैसा भी बचेगा और लुक भी एनहेंस हो जाएगा। तो मैं आपको फिर दिखाऊंगा जब फिट होने के बाद उसका लुक कैसे रहता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और आप कमेंट कीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप दोस्तों को भी, फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स को, सबको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए, मेरे चैनल के वीडियोस को आप देख लीजिए और आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और मुझे वीडियोस को अगर कमेंट करते रहेंगे तो मुझे एंकरेजमेंट मिलेगा, जिससे कि मैं और अच्छा वीडियोस मैं और बहुत यूजफुल वीडियोस मैं बनाऊंगा, जो रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 के जो भी एक्सेसरीज है वो सारी चीज़ों का आपको यूजफुल वीडियोस सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं फिट होने के बाद वो कैसे रहता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।
देखिए अभी मैं निकाल दिया उसी सीट और फिट करने के लिए। देखिए यहाँ से दोस्तों से ये पहले पिनियन सीट निकल जाता है, उसके बाद में यहाँ दो स्क्रू रहता है, यहाँ से मेन सीट निकल जाता है, उसके बाद में ये देखिए ये बैक के लिए बैक रेस्ट का भी निकाल दिया। ये अभी वो फिटिंग कर रहा है, फिटिंग कर रहा है, उसके बाद अभी देखिए दिखाता हूँ। देखिए अभी मेरा सीट फिट हो गया, फ्रेंड्स देखिए मैंने एक सीट कवर लगाया है। देखिए मेरी गाड़ी लुक देखिए क्या शानदार लुक है, जबरदस्त ऐसा अब लगता है कि हार्ली डेविडसन टाइप का लुक आया है। देखिए कितना मेरा ड्रीम मतलब बाइक है, ऐसा मुझे क्रूजर बाइक चाहिए, अभी मुझे मिल गया है मेट्योर 350 के रूप में। देखिए अब मैंने सीट कवर लगवाया, देखिए टूरिंग वाला सीट कवर, देखिए कितना अच्छा लगा, बहुत अच्छा फिट एंड फाइन फिनिशिंग है। देखिए और ये प्रिंट नहीं है, ये स्टिचिंग किया हुआ है, आप देख सकते हैं ये स्टिचिंग वाला है। और यहाँ देखिए यहाँ ब्रांड लिखा हुआ है, सहारा सीट्स करके लोगो लिखा हुआ है। और इसका बैक रेस्ट का भी मैंने कवर लगवा दिया, बैक रेस्ट का भी कवर है, इसमें बहुत सिंपल आपने देखा कैसे फिटिंग होती है, ये चार स्क्रूज खोल देते हैं, ये प्लेट निकल जाता है, ये फिटिंग करने के स्टेपलर करने के बाद फिर वापस लगा देते हैं। देखिए कितना अच्छा लुक है, बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसमें आप देख सकते हो। देखिए अगर आप लुक देखेंगे टूरिंग सीट है, लेकिन ये सीट कवर है, ऐसा लग रहा है कि ओरिजिनल टूरिंग सीट लगवाया, लेकिन ये सीट नहीं लगवाया, जो स्टॉक सीट इसके साथ आया उसी में, लेकिन मैंने कवर लगवा दिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिए आपको ये सीट कवर कैसा लगा तो बताइएगा, और आपके दोस्तों को और फैमिली मेम्बर को भेज दीजिएगा, शेयर कीजिए। और ये मेरा जो चैनल है और भी राइडर्स को बताइए, जो मीटियर का जो राइडर्स है बहुत इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोस में बना रहा हूँ, आप देखते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।